इब्राहिम विद यू। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड में है, बहुत सालों से है और वेरी गुड ब्रांड भी है। एवरीवन जो भी है आदमी लोग एसबीआई बैंक का नेम देख के है ना, सब लोग यकीन का विश्वास करते हैं। एक्सेलेंट फंड भी है और इसमें एसबीआई ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप फंड है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और उसको इन्वेस्टमेंट कैसे अभी जा रहा है और किधर किधर वो लोग निवेश करते हैं, कौन सा कैटेगरी में निवेश करते हैं और फंड का वैल्यू क्या है और कितना साल से ये फंड लॉन्च हुआ, सब डिटेल में आपको दिखाता हूँ। ये एक्सेलेंट फंड भी है, चलते हैं फिर आगे। एसबीआई ब्लू चिप फंड 2006 में लॉन्च हुआ, 2006 14 फरवरी में ये लॉन्च हो गया था और इसका फंड मैनेजर का नाम है सोहिनी अंदानी। ये जो फंड को मैनेज कर रहे 2010 से, अभी फंड का साइज है 17,000 करोड़, ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ है। मतलब आप लोग और मैं अपने तरह आदमी लोग जाके इसको निवेश करते ना, इतना जो करोड़ का ये फंड मैनेजर हैंडल करते हैं। ये प्यू इसका जो लार्ज कैप कैटेगरी में है, इसका बेंचमार्क है SBI BSE 100 TRI। ये आप जाके देख सकते हैं, जैसे वो सेंसेक्स होते हैं और निफ्टी 50 वैसे है, ये इसका बेंचमार्क यही है S&P BSE 100। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 कर सकते हैं और एडिशनल परचेज चाहिए और 1,000 रुपये से कर सकते हैं और मिनिमम SIP अमाउंट है 500 से आप शुरू कर सकते हैं। इसको जैसे आप लोग चेक भी दे सकते हैं और ऑनलाइन में करेगा तो भी आप लोग चेक का ज़रूरत नहीं, एक बार आप लोग चेक लिख दिएगा तो ये ऑनलाइन में हो जाएगा ये पूरा। अगर एक साल का अंदर आप लोग रिडेम्पशन करते हैं 1% आप लोग पे करना पड़ेगा। ये फंड इसका जो आज ये डेट है, इसका जो डेटा मैंने लिया 11/4/2018 का, इसका अब ये NAV वैल्यू है, ग्रोथ वैल्यू 38.48 है और डिविडेंड वैल्यू है 21.89। ये जो फंड लॉन्च हो के अभी तक उनको हर साल ये फंड ने 11.72% रिटर्न दिया, ये तो बहुत अच्छा रिटर्न है। हर दिन हर साल कोई ना कोई साल ज़्यादा है और तो कोई साल में कमती है, लेकिन फिर भी ये फंड अभी तक 12% का करीब इन्वेस्टमेंट रिटर्न दिया। इसमें मैं क्या क्या इनका पोर्टफोलियो में है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए ये पोर्टफोलियो इनका, ये किधर के निवेश करते हैं, ये पूरा है इनका जो पोर्टफोलियो में। HDFC है तो 8.38% HDFC बैंक है और लार्सन टूब्रो है, महिंद्रा है, ITC है, नेस्टल है, हीरो होंडा मोटर कॉरपोरेशन है, गोतक महिंद्रा बैंक है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है, इंडसलैंड बैंक है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL बोलते हैं ना ये है, और UPL है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक है और बहुत अच्छा अच्छा कंपनी में ये लोग निवेश करते हैं। और कितना परसेंट निवेश करते हैं ये इसमें आपको देख सकते हैं। ये देखो इसमें ये टोटल इसका जो हर जो इन्वेस्टमेंट का बारे में डिवाइड करके इसमें डिटेल में है सब का पोर्टफोलियो में, ये करंट डिटेल है 2018 अप्रैल 11 तारीख को जो ये डेटा मैंने निकाला, मैं आपको शेयर करूँगा अभी। ये आप सेम पोर्टफोलियो किस सेक्टर में कितना परसेंट करते हैं, देखो ये हर म्यूचुअल फंड में आप देखिएगा ना, ये 30% फाइनेंशियल सेक्टर में होते, मतलब पूरा बैंक का जो स्टॉक्स होते हैं उनमें वो लोग निवेश करते हैं। और दूसरा जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10% और कंज्यूमेबल गुड में 9% और कंस्ट्रक्शन में 7%, एनर्जी सेक्टर में 6%, फार्मा सेक्टर में 5.79% और सीमेंट सेक्टर, और सब सेक्टर में इसमें कितना कितना परसेंट ये लोग उनका जो जो स्टॉक ये लोग लिया, ये पूरा डिटेल इधर है और सेक्टर एलोकेशन आप लोग इसमें से देख सकते हैं। इसमें लार्ज कैप में 87.4% ये लोग निवेश करते हैं, ये फंड तो प्योरली लार्ज कैप फंड है, ये लोग अराउंड 87.46% लार्ज कैप में निवेश करते हैं और मिड कैप में 5.38% निवेश करते हैं और कैश एंड अदर असेट्स में ये 7.16% इन्वेस्ट करते हैं। चलो आगे चलते हैं।
अभी तलक ये जो इसका जो डिटेल मैंने अभी बताया, इसमें हर फंड में ना लार्ज कैप, जाइंट कैप और मिड कैप का स्टॉक्स होते हैं। इसमें जाइंट में 59.02% निवेश किया और इसका जो लार्ज कैप स्टॉक्स में अभी इनका ये फंड में 28.69 शामिल है, और मिड कैप कैटेगरी में खाली 12.29% है। एक महीना में ये 3.92% दिया और 3 महीना में -1.96% दिया, क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ा वॉलेटाइल चल रहा है और इसके बारे में अभी थोड़ा मार्केट थोड़ा डाउन है। फिर भी ये फंड इतना तो गिरा नहीं, लेकिन करीब 2% सा इनका गिरावट दिखता है। और एक साल में ये फंड ने दिया 13.19% और 3 साल का रिटर्न दिया 9.4% और 5 साल का जो रिटर्न ये दिया 19.22%, और 10 साल से आप देखिएगा तो 12% आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। आप कोई भी चिंता नहीं करने का, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में तभी आएगा ना आप लोग लंबे समय का इन्वेस्टमेंट की तरह आना चाहिए, और शॉर्ट टर्म गोल में कभी म्यूचुअल फंड में नहीं आना चाहिए। मिनिमम 5 साल और लार्ज कैप के लिए 8 साल और जो और मिड कैप स्मॉल कैप के लिए 10 साल 15 साल निवेश रखना चाहिए, क्योंकि कभी मार्केट वॉलेटाइल होता है। आप लोग इन पैसा निवेश करने के बाद में आप लोग ये रिटर्न कभी कभी मार्केट गिरने के वक्त में कभी कभी साइड लाइन में मार्केट चल रहा है, तभी आप लोग को इतना अच्छा से मुनाफा नहीं होएगा। इसके लिए ना लंबे से समय पे कभी आते हैं इसको बहुत अच्छा फायदा है इसको, और आगे में बताएगा कि क्या क्या चीज़ करके। और इसमें है अभी रैंक विथ कैटेगरी, ये इसका मतलब यही लार्ज कैप फंड में एक 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 महीना में कितना रैंक में है। 1 महीना में ये 21 प्लेस में है और 3 महीना में ये 78% में है और 1 साल में 89% और 3 साल में 30 और 5 साल में 19 और 10 ईयर में ये 14। मतलब इसका जो पहले इससे 10 साल का बारे में 10 साल से इसका जो कैलकुलेशन आप देखेगा ना, इसका पहले 13 फंड है और 5 साल का कैलकुलेशन में देखेगा तो इसका पहले 18 फंड है। इसमें बहुत अच्छा है, सेम सेम और इससे बेहतर भी करने वाला फंड है, लेकिन फिर भी ये फंड कोई कम नहीं है। ये फंड भी अराउंड 12% रिटर्न अभी साल भर दिया। आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लार्ज कैप्स चूज करके आप लोग इन्वेस्ट कर लो। ये लार्ज कैप में इतना मार्केट में कभी फॉल आएगा इतना फॉल तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये मिड कैप से ये आपको बेटर है। मतलब उसका जो बिल्कुल बिल्कुल इसका जो रिटर्न है और बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। बहुत डिटेल में जाएगा तो आप लोग शायद ये पूरा डिटेल देखेगा तो आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन बस मैंने जो बताया ये डिटेल सब में है, आप लोग खुद भी जाके देख सकते हैं। मैं मनी कंट्रोल वेबसाइट और वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन .com ये साइट से भी देख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। मैं एक कैलकुलेशन निकाला, ये जो फंड में SIP तो आप लोग जानता होगा, ये हर महीना में मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे आप लोग बैंक में RD पे करते हैं वो सेम सेम म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। 500 से SBI में शुरू कर सकते हैं, और ये फंड में मैंने चूज़ किया। अगर 5,000 5,000 एक 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 इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट किया फ्रॉम 2006 अप्रैल से अभी का उनका जो वैल्यू है ये देखो, अगर 2006 से निवेश किया, देखो इधर 5,000 डाला और इसका जो स्टार्ट डेट है 2006 और एंड डेट है अप्रैल 2018, अभी तलक जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया 7,25,000, लेकिन आज का जो उनका जो मार्केट का जो वैल्यू देखो 17,75,450। ये तो बहुत अमेजिंग है ना, इतना जो रिटर्न आप लोगों को किधर भी आप लोगों को नहीं मिल सकते। दूसरा कोई भी AFT और जो भी अभी मैं बीच में लोग क्रिप्टो करेंसी के पीछे तो बहुत आदमी लोग का गया, उसको उसको पैसा भी डूब गया। और कभी भी आप लोग निवेश करने का जा रहे हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन एनी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट ओनली। डोंट गो फॉर एनी बोगस कंपनीज और जो भी है डबल कर देगा ट्रिपल कर देगा ऐसे ना, वो भी कभी उसका ऊपर फंसने का ही नहीं। गो विद द स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम एंड गेट रिटर्न एंड यू योर मनी विल बी सेफ। 7,25,000 निवेश किया तो उनको
17,75,450 rupees रिटर्न मिल गया, मतलब टोटल जो उनको 10 लाख का मुनाफा मिला उनको। अगर सेम अमाउंट को जो ये जो 725,000 को अगर लमसम की तरह मतलब एक ही वक्त में हम लोग ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टमेंट किया तो उनको कितना मिला और क्या बारे में, वो लमसम का इन्वेस्टमेंट का बारे में अभी देखेंगे। 2006 और 6 अप्रैल में इनका जो नया ये जो ये फंड का एसबीआई ब्लू चिप फंड का जो एनएवी था 11.20, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 7,25,000 ऑन दिस डेट, सेम डेट, सेम जो ये डेट के ना, तभी उनको कितना मिला मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए उनका जो अभी मार्केट है, अभी उनको 25 लाख का जो टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिला, इसमें 17 लाख उनको खाली रिटर्न मिला और टोटल अभी जो उनका वैल्यू है अराउंड 25 लाख। 7 लाख इन्वेस्टमेंट किया और उनको 25 लाख 25 लाख उनको मिला। देखो इनका ये जो SIP और लमसम में कितना फर्क है, इसमें 10 लाख का रिटर्न मिला और इसमें 17 लाख का रिटर्न मिला, एक्स्ट्रा 7 लाख एक्स्ट्रा मिला, मतलब एक वक्त में इन्वेस्टमेंट किया तो। फिर ये अगर आपको आप लोग इसको वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन .com में कैसे देखेगा मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैंने वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन में आ गया, एक डमी पोर्टफोलियो के अंदर मैं म्यूचुअल फंड को ऐड करता हूँ। SBI ब्लू चिप मैंने रेगुलर फंड ही चूज कर रहा हूँ, क्यों 2006 में ये डायरेक्ट फंड नहीं था, काली रेगुलर फंड था। अभी मैं काली अभी रेगुलर फंड का बारे में बात करता हूँ। अमाउंट मैंने इन्वेस्टमेंट किया 25 लाख और डेट 2006 अप्रैल 6 तारीख, देखिए 11.19 उनका जो सेम डेट में इतना ही नैव था, नेट असेट वैल्यू बोलते हैं। अभी मैं सेव कर लिया, आप खुद देखिए, ये देखिए 7,25,000 इन्वेस्टमेंट किया उनको, अभी मार्केट का वैल्यू है 25,000 लाख, सॉरी 25 लाख अभी उनका जो वैल्यू है 25 लाख और रिटर्न मिला उनको 17 लाख। इतना अच्छा रिटर्न और दूसरा कोई चीज़ मतलब FD और गोल्ड इन्वेस्टमेंट और करेंट डिपॉजिट जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, और उन जैसे म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आते हैं वो आपको किधर भी नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड टूल्स, आई थिंक एवरीबडी शुड टेक इट फॉरवर्ड। बट इसमें जो निवेश करने के लिए आते हैं कभी लंबे समय के लिए आए, क्योंकि जो मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं, आप लोग को उतना लंबा समय में आप लोग को इतना रिस्क नहीं हो सकता है। क्यों आप लोग अगर SIP करेगा और भी अच्छा है, क्यों हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करेंगे और हम लोग को बहुत लंबा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छा, और अभी इनका जो नेव है 38.48, देखिए आप इसमें 11 रुपीस को खरीदा, अभी 38.48 में अभी चल रहा है। आई होप ये जो वीडियो मैंने बनाया आप लोग को और भी क्लियर व्यू मिला होगा, और फिर भी मेरा जो यूट्यूब पेज को आप बार बार आके देखिए, और इसमें बहुत कुछ मैंने आप लोग जैसे मामूली इन्वेस्टमेंट सीखने आदमी लोग के लिए मैं बहुत कुछ टूल्स बना के रखा और बहुत अच्छा अच्छा फंड भी मैंने चूज करके उसमें सेलेक्ट करके रखा। लेकिन ऐसे तो नहीं बस जो भी बोलते एक फंड और दूसरा एक चीज़ बोलते, बट वॉट एवर द फंड आई हैव गिवन दैट्स एक्सेलेंट फंड रिटर्न कैलकुलेशन ऑल्सो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना दोस्त लोग के साथ आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड नाइट।